Hey guys, welcome back to another video and spoken English की basic and advanced level की classes शुरू हो चुके हैं। हम लोगों ने already बहुत सारी चीजें cover कर ली है simple present tense में। आप video देखते रहिए and subscribe कर ले इस channel को, बहुत ज्यादा videos आपके लिए आने वाले हैं क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी टेंसेस है उनकी जितनी भी सिचुएशंस पॉसिबल हो वो सारी सिचुएशंस में कैसे बोलना है इंग्लिश में वो सारी चीजें हम लोग सीख लें। और आज हम उसमें पढ़ेंगे थोड़ा और जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन नॉर्मल सब्जेक्ट एंड लॉन्गर सब्जेक्ट। देखते हैं किस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट में और लॉन्गर सब्जेक्ट में। चलिए देखते हैं, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर आपको पता होगा या फिर नहीं भी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर कोई भी टेंस में मेनली फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, विच आर द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव नेगेटिव। मतलब कि आप कोई भी सेंटेंस बोलो, ये चारों सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशंस में डेफिनेटली बांटने ही वाले हैं। इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब आप जो भी यस वाली सिचुएशंस बोलते हो वो सारी सिचुएशंस इसमें आएंगी। इसका मतलब होता है नेगेटिव, ऑफ कोर्स जो आप ना करके बोलते हो वो सारी सिचुएशंस इसमें आएंगी। इसका मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंस। ऑफ कोर्स आप कोई भी सेंटेंस में कोई भी टेंस में क्वेश्चन तो पूछते ही हो, तो डेफिनेटली आप लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और क्वेश्चन नेगेटिव में कैसे किया जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब ये है, ये सेंटेंस को अगर समझा जाए ठीक से तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ये चीज करूंगा। इसका मतलब ये होता है मैं ये चीज नहीं करूंगा। इसका मतलब होता है इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या मैं ये चीज करूंगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है क्या मैं ये चीज नहीं करूंगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चार टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो आप कोई भी सेंटेंस बोलो आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स आएंगे ही, आपको पता होना चाहिए अलग अलग टेंसेस में। बिकॉज आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो डेफिनेटली वो चारों सेंटेंस में बोले जाते हैं, इन चारों सेंटेंस में बोले जाते हैं। आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो वो इन चारों सेंटेंस में नहीं बोले जाते हैं। क्या आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो वो इन चारों सेंटेंस में बोले जाते हैं। क्या आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो वो इन चारों सेंटेंस में नहीं बोले जाते हैं। तो ये हर जगह पे है, आपको आना चाहिए अगर आपको कोई टेंस सीखना है सिचुएशंस में बातें करनी है। तो ऑफ कोर्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स टॉक अबाउट देम। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस वो कैसे बनाते हो हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसकी जो सिंटैक्स है वही फॉलो करनी है, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड द सिंटैक्स इज सब्जेक्ट प्लस V1 जरूरत पड़ने पर एस और यस, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। तो चलिए अब हम लोग इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। आपने पहले भी देख लिया है, फिर उसका नेगेटिव सीखेंगे कैसे होता है। तो अगर एक सेंटेंस लिया जाए, रवि प्लेज क्रिकेट डेली। अब इसका मतलब क्या होता है, यहां पर प्लेज का मतलब ही होता है रवि क्रिकेट डेली खेलता है, राइट। अगर आपको इसका नेगेटिव करना है तो क्या होगा, आपको दो वर्ड्स के बाद में नॉट का यूज करना है। लेकिन यहां पे रूल ये कहता है ग्रामर का कि नॉट तो यूज होगा लेकिन वो वर्ब से पहले आना चाहिए। तो कंसिडरिंग दैट हम लोग को यहाँ पे वर्ड कौन सा मिला है, एक ही वर्ड मिला है, दो वर्ड्स के बाद यहाँ पर नॉट करना है यूज हमको। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको वर्ड तो एक ही दिया है क्योंकि डेफिनेटली वर्ब के आगे आना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक काम करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा आपकी जरूरत के हिसाब से। आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, दो वर्ड्स दिए जाते हैं, उनमें से एक वर्ड को आपको यूज करना है। ऑफ कोर्स अगर आपको किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ये रूल ही है, इसको आपको फॉलो करना ही होगा। चलिए देखते हैं वो कौन से दो वर्ड्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। वो दो वर्ड्स हैं डू एंड डज। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि आप कौन सा वर्ड यूज करोगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे तो डेफिनेटली आप डू यूज करोगे,
एंड अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट तो डेफिनेटली आप डज यूज करोगे. तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है रवि वो डेफिनेटली किस में आता है, ही में. तो हम लोगों को यहाँ पर डज का यूज करना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस किस तरीके से बनता है. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. अब डेफिनेटली हम लोग इस सेंटेंस का नेगेटिव करेंगे. सो आवर नेगेटिव सेंटेंस विल बी, नेगेटिव हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा रवि. फिर हम लोग को ऐड करना है डेफिनेटली जो इसका वर्ड है एक्स्ट्रा डज. अब हम लोग यहां पर नॉट को यूज कर सकते हैं क्योंकि रूल यहां पर हम लोगों ने यूज कर लिया है, दो वर्ड आ गए हैं एंड वर्ब के आगे नॉट होना चाहिए. तो चलिए यूज करते हैं नॉट को, डज नॉट. अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं प्ले. चलिए अब यहां पर आपको जान के हैरानी होगी कि यहां पे प्ले क्यों आया, प्लेज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डेफिनेटली यहां पर रवि है तो प्लेज ही आएगा. लेकिन यहां पर हम लोगों ने डज का यूज कर लिया है इसीलिए यहां पर एस और ईएस नहीं आएगा, क्योंकि एस और ईएस आप एक ही बार नेगेटिव सेंटेंस में लिख सकते हो, दूसरी बार उसी सेंटेंस में एस और ईएस नहीं आएगा. ये ग्रामर का रूल है, आपको ये फॉलो करना ही होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो रवि रीड्स न्यूज़पेपर, तो उसका नेगेटिव करना होगा तो आपको डेफिनेटली यही लिखना पड़ेगा रवि डज नॉट रीड न्यूज़पेपर. रवि ड्रिंक्स वाटर, रवि डज नॉट ड्रिंक वाटर. रवि प्लेज क्रिकेट, रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट. राहुल ईट्स मैंगो, राहुल डज नॉट ईट मैंगो. क्यों ईट आता है, क्यों प्ले आता है, क्यों एस और ईएस नहीं लगता, यही रीजन है कि आगे ऑलरेडी उसमें डज यूज कर लिया है. तो डेफिनेटली वापस से एस और ईएस लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. ये रूल है, याद रख लो, जब भी आप सेंटेंसेस बोलोगे नेगेटिव में तो आपको डज यूज करने के बाद एस और ईएस वर्ब में नहीं लगाना है. ये आपको याद रख लेना, इट्स वेरी सिंपल. आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, डेफिनेटली आपको इसकी हैबिट होने वाली है, नो प्रॉब्लम. चलिए अभी ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है रवि डज नॉट प्ले, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है, हमने पहले देखा था रवि प्लेज मतलब खेलता है, रवि डज नॉट प्ले का मतलब ही यही होता है कि नहीं खेलता. ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस रवि डज नॉट प्ले. बाकी की सारी जो चीजें हैं वो सेम ही रहने वाली है. क्रिकेट डेली, मतलब रवि डेली क्रिकेट नहीं खेलता. होप यू अंडरस्टूड दिस सेंटेंस. आपको डज लगाना है अगर सब्जेक्ट ही शीट में आता है, फिर उसके बाद नॉट लगा देना है. लेकिन जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर की जगह पे प्लूरल हो या फिर इन सारों में से हो, आई यू वी दे में से हो, तो डेफिनेटली आपको क्या लगाना है, डू लगाना है. तो ये था आपका एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जिसमें डेफिनेटली डज आएगा, फिर उसके बाद ही नॉट लगेगा. इसका मतलब होगा रवि नहीं खेलता. तो ये हम लोगों ने देखा कि डज का यूज कैसे किया जाता है, कब यूज किया जाता है एंड उसका मतलब क्या होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो हमने देखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर उसके बाद हमने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से किया जाता है. आपको पता है डज लगा के फिर होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब. अब हम लोग देखेंगे जो यही सेंटेंस है उसको इंटरोगेट किस तरीके से किया जाता है. इसका मतलब ये कि हमने इसका पहले तो नेगेटिव किया, फिर इसी सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. तो इंटरोगेट करने का, क्वेश्चन करने का रूल ये है कि जो दूसरा वर्ड होता है उसको आगे ला दिया जाता है, लेकिन वो वर्ब से, मेन वर्ब से पहले होना चाहिए. तो अगेन यहाँ पे मेन वर्ब से पहले कोई भी वर्ड नहीं है, तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे इस चीज का, डज को आगे ले लेंगे डायरेक्टली. तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था उसी तरीके से हम लोग आगे सेंटेंस को, वर्ड को ऐड कर देंगे. तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, डज. इसी सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं. तो यहाँ पर जो सेकेंड वर्ड नहीं था ऑफकोर्स हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, तो इसको यहां पर ऐड करने के बदले हम लोग डायरेक्टली आगे ही लिख देंगे. तो क्या हो गया, डज डज. फिर उसके बाद बाकी की सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है. डज रवि, और ऑलरेडी यहां पर डज आ गया है, यहां पर डज आ गया है तो ऑलरेडी एस और ईएस आ गया है, तो यहां पर प्लेज नहीं लिखा जाएगा. तो यहां पर क्या आएगा, डज रवि प्ले क्रिकेट डेली और क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स. तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, डज रवि प्ले का मतलब क्या, रवि खेलता है, क्या रवि क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब यही हो गया डज रवि प्ले क्रिकेट.
और भी एग्जांपल्स अगर आपको बनाने हो तो आप क्या बना सकते हैं, डज रोहन ईट मैंगो, डज रोहन राइट अ लेटर, डज रोहन रन वेरी फास्ट, डज रोहन प्ले क्रिकेट, डज रोहन वॉच मैचेस, डज रोहन रिस्पेक्ट हिज फैमिली। इस तरीके से हम लोग सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आगे डज आएगा एंड पीछे एस और यस वर्ब में नहीं लगेगा। इसका मतलब भी यही होता है, क्या रवि खेलता है या फिर क्या रोहन रिस्पेक्ट करता है, क्या रोहन खाता है, क्या रोहन खेलता है, क्या रोहन पीता है, क्या रोहन कूदता है, क्या रोहन भागता है। तो आपको इसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट में इंटरोगेट सेंटेंस को करना है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। आगे आपको डज लेना है, एस और यस निकाल लेना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलिए अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। हम लोगों ने इंटरोगेट कर लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लिया है। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी नेगेटिव होगा, जिसको कहा जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलिए देखते हैं कैसे होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस करना है तो दो वर्ड्स के बाद आपको नॉट लगाना है, लेकिन वो नॉट कहाँ आना चाहिए, ऑफ कोर्स जो आपका मेन वर्ब है उसके पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या करना है। जो आपका मेन वर्ब है वो है प्ले, एंड ऑलरेडी यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दे दिए गए हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, कुछ ऐड करने की अभी जरूरत नहीं है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। जो क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो के बाद नॉट लिख देना है, नॉट बोल देना है, दैट इज डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट डेली। इसका मतलब ये हो गया, डज रवि नॉट प्ले का मतलब क्या हुआ, क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता। होप यू अंडरस्टूड, इट्स वेरी सिंपल। क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता, इसका मतलब ही यही हो गया। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बात आराम से कर पाओगे, आराम से सेंटेंसेस पैराग्राफ्स में कहीं पे भी लिख पाओगे। आपको सिर्फ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। डू एंड डज का कब यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने देख लिया, डज का यूज कब करना है नेगेटिव करने के लिए, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा, एंड आई एंड यू के लिए यूज नहीं होगा। ये ऐसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, आई का मतलब मैं, यू का मतलब कोई एक इंसान जो मेरे सामने है, तुम इधर आओ, यू मतलब एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। यू का मतलब एक से ज्यादा को भी बोला जा सकता है, और यू सिर्फ एक इंसान को भी आपके सामने होता है उसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, You are my best friend and you all are my best friends. तो you singular plural दोनों के लिए use होता है। Definitely आपको याद रखना है। आपको इस तरीके से याद नहीं रखना कि plural के लिए आपको do use करना है and singular के लिए आपको does use करना है। Of course singular के लिए आपको does use करना है, लेकिन ऐसे दो very important subjects हैं, उन दोनों के लिए आपको does use नहीं करना है। उन दोनों subjects के लिए आपको does use नहीं करना है। वो दोनों सब्जेक्ट्स कौन है, मैं और आप, आई एंड यू, प्लीज रिमेंबर दिस। चलिए देखते हैं डू का यूज कैसे होगा। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे इसको यूज किया जा सकता है यूजिंग द सिंगुलर के लिए। अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस एंड क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसकी नोट्स ले लें, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डू का यूज कैसे होगा। चलिए अब बात करते हैं डू की। हम लोगों ने डज की बात कर ली, एंड होप यू अंडरस्टूड। चलिए डू कब यूज होगा चलिए देखते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब आप डू का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ कोर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अगर आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट डेली इन द ग्राउंड। कुछ भी अदर वर्ड आप ऐड कर सकते हो, आपको पहले ही बता दिया गया है। तो यहां पर प्ले का मतलब ही क्या हो गया है, चिल्ड्रन क्रिकेट खेलते हैं, राइट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब ऑफ कोर्स यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहां पर आपको डू का यूज करना होगा इस सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए,
बाकी जो डज वाली चीजें आपको बताई वो सारी चीजें सेम ही रहने वाली है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अगर इसका नेगेटिव किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन डू नॉट, और यहां पर एस और ईएस नहीं लगा है तो ऑफकोर्स यहां पर हम लोगों ने ईएस नहीं लगाया है, डज नहीं लगाया है, तो डेफिनेटली प्ले का प्ले ही रहने वाला है, यहां पर कोई चेंज होने वाला नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। इसका डू नॉट प्ले का मतलब ही हो गया है बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, मतलब ये डेली एक्टिविटी में उनकी नहीं है, बच्चे क्रिकेट खेलते नहीं, या तो फिर बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। चलिए अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव कैसे होगा। ये हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस किया, अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं कैसे होगा। यहां पर आपको सेकंड वर्ड को आगे लाना है इंट्रोगेट करने के लिए, यहां पर डू डेफिनेटली नहीं दिया गया है तो डू को हम लोग आगे ही रखेंगे और बाकी की सारी चीजें जैसे हम लोगों ने डज में देखी वैसी ही होगी और सेंटेंस पूरा आपका काम करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट डेली, इसका मतलब क्या हो गया? डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट मतलब क्या बच्चे डेली खेलते हैं? इट्स वेरी सिंपल, हम लोगों ने पिछली बार डज लिखा था, यहां पर डू है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। इट्स वेरी सिंपल। अब तो बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन नेगेटिव बनाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, दो वर्ड्स के बाद में आपको नॉट लिख देना है और कुछ नहीं करना है। डू चिल्ड्रन के बाद नॉट, तो क्या बनेगा सेंटेंस? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट डेली, इसका मतलब ही हो गया। डू चिल्ड्रन नॉट प्ले का मतलब ही हो गया क्या बच्चे नहीं खेलते, क्या बच्चे नहीं खेलते क्रिकेट डेली? इट्स वेरी 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 सिंपल, आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसको याद रख के आप डू और डज का यूज कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो दो वर्ड्स के बाद में आपको नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है, दो वर्ड्स के बाद आपको नॉट लगा देना है अगर आपको नेगेटिव करना है। अगर इंटरोगेट करना है किसी सेंटेंस का, उसको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो सेकेंड वर्ड को आगे ला देना है, लेकिन यहां पर नहीं था सेकेंड वर्ड तो हम लोगों ने डू का यूज किया, आगे ला दिया डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट डेली। और अगर उसका नेगेटिव करना है तो अगेन आपको दो वर्ड्स के बाद नॉट लगा देना है, तो हम लोगों ने क्या किया? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट, जिसका मतलब ही हो गया क्या चिल्ड्रन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी 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 सिंपल सेंटेंस। यहां पर अगर आई भी होता तो क्या होता, अगर सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करें, आई या फिर यू के बारे में, तो भी डेफिनेटली यही सेंटेंस आता, आई प्ले क्रिकेट डेली, यू प्ले क्रिकेट डेली। उसका नेगेटिव भी यही होता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली या फिर यू डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। इंटरोगेटिव भी यही इसी तरीके से होता, डू आई प्ले क्रिकेट डेली या फिर डू यू प्ले क्रिकेट डेली, क्या तुम खेलते हो, क्या मैं खेलता हूं। उसका नेगेटिव भी यही होता, चिल्ड्रन की जगह पे आई या फिर यू आ जाता। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट डेली, क्या मैं डेली क्रिकेट नहीं खेलता हूं, या फिर डू यू नॉट प्ले क्रिकेट डेली, क्या तुम क्रिकेट डेली नहीं खेलते हो। इट्स वेरी सिंपल टू मेक सेंटेंसेस इन फोर टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। आपको सारे सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, आपको सारे सेंटेंसेस बनाने नहीं आने चाहिए, क्या आपको सारे सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, क्या आपको सारे सेंटेंसेस बनाने नहीं आने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हर जगह पे है, आपको हर एक टॉपिक, हर एक सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे। अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इन सेंटेंसेस की एज मच एज प्रैक्टिस करें, सिर्फ लिख कर ही नहीं बोलकर प्रैक्टिस करें, अपने फोन में अपनी जो स्पीच है उसको रिकॉर्ड करें, जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करें एंड उसको उसके बाद एनालाइज करें, फिर उसके बाद आप जाने कि कहां पर आपने मिस्टेक की है, फिर उसके बाद आप डिटरमाइन करें कि ये वाली जो मिस्टेक्स आज हुई मेरी स्पीच में वो आगे नहीं होगी। ऑफकोर्स
इसी तरीके से 2 से 3 महीनों में आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से एवरीडे प्रैक्टिस करोगे तभी। होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट ऑल दिस सेंटेंसेस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और कमेंट्स में जाके ऑफ कोर्स सेंटेंसेस बनाओ, मैं चेक करूंगा आपके सेंटेंसेस सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। तो एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिस करें, कमेंट्स में जाके सेंटेंसेस लिखें, घर पे बोलें एज मच एज पॉसिबल। अब इसके अलावा बात करें तो ये तो था हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल नॉर्मल सब्जेक्ट थे। ऑफ कोर्स इसके अलावा हमने जितने भी सारे लॉन्गर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझाया जाएगा किस तरीके से काम करता है। तो ऑफ कोर्स आपको नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी, आपको वो वीडियो देखना है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश होने वाला है। तो आपको पहले ये चीज सीख लेनी है, इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। नेक्स्ट टाइम यू विल बी टॉट द लॉन्गर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी सीख पाए बेसिक एंड एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश। आई टॉक टू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर।